वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर हेयर विद अनदर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर फोर्थ द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो उसका पुराना नाम था अब उसका नाम है द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर यानी सत्ता के नए केंद्र तो ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था उसके बाद कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन अब हम स्टडी करेंगे जो कॉपरेशन से काम कर रहे हैं वर्ल्ड में आज भी और किस परपज़ के लिए वो बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे और जो डोमिनेंस था दो सुपर पावर्स का वो उसको कैसे उन्होंने एक छोटा सा चैलेंज दिया है इन यूरोप इन जो ऑर्गेनाइजेशंस थे तो उन्हीं के अंडर आज हम सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन वन बाय वन हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नेशंस हैं तो यूरोपियन यूनियन को स्टडी करेंगे यूरोपियन यूनियन मतलब है कि यूरोप के देशों से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप है ये यूरोपीय संघ जिसको कहते हैं हिंदी में तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एंड मैनी ऑफ यूरोप्स लीडर्स ग्रैपड विद क्वेश्चन ऑफ़ यूरोप मतलब बहुत सारे यूरोप के जो लीडर्स थे उनके सामने एक क्वेश्चन था शुड यूरोप भी अलाउड टू रिवर्स इट्स ओल्ड राइवलरीज और भी रिकन्स्ट्रक्टेड ऑन प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशंस दैट वुड कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन उनके सामने ये क्वेश्चन था कि यूरोप को क्या अपनी जो ओल्ड राइवलरीज हैं उन्हीं के साथ रहना चाहिए या फिर दोबारा से कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या इंस्टीट्यूशन रिकन्स्ट्रक्ट करने चाहिए जिससे कि एक पॉजिटिव कंसेप्शन क्रिएट हो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक पॉजिटिव मोड आए मतलब एक कंसेप्शन ऐसा बने कि जिससे सभी जो देश हैं जो दुश्मनी के साथ रहते हैं वो अच्छे से रहें क्योंकि सकेंड वर्ल्ड वॉर शटर्ड मैनी ऑफ द अनजम्पन एंड स्ट्रक्चर ऑन विच द यूरोपियन स्टेट हैड हैस देयर रिलेशनस क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ऐसे बहुत सारे अनजम्पन्स और स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया था जिसके बेस पर कि यूरोपियन देशों के रिलेशन बनते थे नाइनटीन फोर्टी फाइव द यूरोपियन स्टेट कन्फर्टेड द रूइंग ऑफ देयर इकोनॉमिक्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंजशन एंड स्ट्रक्चर ऑन विच यूरोप हैड बिन फाउंडेड 1945 के जो वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर था उसमें यूरोपियन स्टेट ने कन्फर्ट किया था कि भाई जो इतनी उनकी इकॉनमी इकोनमी है जो इतनी ख़त्म हुई है इकोनमी जिन्होंने एक बर्बादी को झेला है इन अर्थव्यवस्थाओं ने तो उन्होंने उन एजम्शन्स और जो स्ट्रक्चर था उनको ख़त्म होते हुए देखा है जिनके ऊपर यूरोप कभी खड़ा हुआ था तो कहने का मतलब क्या है कि वो मान्यताएं अब यूरोप के लीडर्स दोबारा से उन एजम्पन्स को रिक्रिएट नहीं करना चाहते थे यूरोपियन इंटरग्रेशन आफ्टर नाइनटीन फोर्टी फाइव बाय द कोल्ड वॉर स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में बन गई थी अब कोल्ड वॉर ने क्या किया कोल्ड वॉर ने काफ़ी हेल्प की इन ऑर्गेनाइजेशन्स को बनने में क्योंकि एक तरफ दो सुपर पावर्स थी तो दूसरी तरफ कुछ देश इकट्ठा हो रहे थे इनके अगेंस्ट इकट्ठा हो रहे थे ये कह लीजिए क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता था कि दोबारा से कोई युद्ध जैसी कंडीशन वर्ल्ड में हो अब इसमें ये ये जो सुपर पावर्स थी ये भी अपनी जो एक अपने परपज़ के लिए अपनी पावर को बढ़ा रही थी तो इसके लिए क्या कर रहे थे जैसे ये इकोनमिक फील्ड में अगर देखें तो ये हेल्प कर रहे थे दूसरे देशों की तो अमेरिका का इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा है जैसे उसने नाटो स्टार्ट किया था आप सबको पता है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था ताकि एक कलेक्टिव कुलेक्टिव सिक्योरिटी सबको दे सके तो आगे अमेरिका क्या करता है कि एक मार्शल प्लान क्रिएट होता है अमेरिका में ये कई बार पूछ लिया जाता है मार्शल प्लान याद रखना इसको मार्शल प्लान क्या था मार्शल मार्शल प्लान ये था कि इसके अंडर क्या था कि जो uh, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जिसमें कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक एक ऑर्गेनाइजेशन है ये अगर इसकी फुल फॉर्म हम देखें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है द ऑर्गेनाइजेशन फ़ॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ओ सी इसकी अगर शॉर्ट uh, फॉर्म क्या है इसकी ओ ई -E ई सी यानि क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि जो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन uh, है जो यूरोप की इकोनॉमिक uh, देश है जो भी देश है वो इकोनॉमिक रूप से यानी आर्थिक रूप से कोपरेट होके काम करेंगे ये इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ स्टूडेंट यही जो ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर यूरोपियन यूनियन बनता है इसका नेम चेंज होता है बाद में तो 1948 में ये बना इट बिकम इट बिकम अ फॉर्म वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगेन टू कॉपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज ये ऐसी एक फॉर्म थी जिसमें कि जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे यानी जो वेस्ट यूरोप के देश थे वो अपने कॉपरेट कॉपरेशन से काम कर रहे थे किस फील्ड में इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक जो भी इशूज़ होते थे उस फील्ड में वो काम कर रहे थे इसके लिए काउंसिल बनाई गई इसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी काउंसिल बनाई काउंसिल किस लिए बनाई ताकि इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस किया जा सके यहाँ पर 1949 में एक काउंसिल बनाई तो ये ज़रूर आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है क्या क्या इसमें चेंजेस आए और ये काउंसिल अब और क्या कर रही थी इकोनॉमिक इश्यूज को तो डिस्कस कर रही थी साथ के साथ जो पोलिटिकल कॉपरेशन है उसको भी बढ़ा रही थी उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटरग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो रहा था और उसके बाद क्या हुआ कि 1957 में इन इसी ऑर्गेनाइजेशन में एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी इसकी फुल फॉर्म क्या है ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी याद रखना स्टूडेंट ये यही क्वेश्चन जो है वन मार्क्स में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक परपज से बनाई गई यूरोपियन इकोनमिक कम्युनिटी ई सी नाइन फिफ्टी सेवन में बनाई गई धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप नेक्स्ट देखो द प्रोसेस एक्वायर्ड अ पोलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इस प्रोसेस की वजह से एक पार्लियामेंट बनाई गई एक पार्लियामेंट का गठन किया गया जिससे जिसको कि एक पोलिटिकल डायमेंशन दिया जा सके मतलब अब जरूरत महसूस की गई कि जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके साथ साथ पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया जाए पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर सुलझाया जाए द कलेप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक अब साथ में क्या हुआ नाइनटीन में धीरे धीरे ये प्रोसेस चल रहा था नाइन्टीन में जो सोवियत ब्लॉक है उसका कलेप्स हो गया वो डिस हो गया सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड अब जो ये यूनियन है ये बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे आ गई और 1992 में 1992 में यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश की गई यानी ये यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इसको बनाया गया तो स्टार्ट कब हुआ था ये जो इसका फॉर्मेट स्टार्ट हुआ था 1948 में ओ सी की फॉर्म में ये मतलब ये स्टार्ट हुई थी कि ये इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपोरेशन से एक के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया धीरे धीरे उसके लिए काउंसिल बनाई गई फिर स्टेप बाय स्टेप 1957 में एक इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई जिसको पोलिटिकल डायमेंशन दिया गया इसके लिए एक पार्लियामेंट बनाई गई और बाद में सोवियत ब्लॉक के डिसइंटिग्रेशन के बाद नाइनटीन में क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया द फाउंडेशन वॉज लेड फॉर अ कॉमन फॉरन एंड सिक्स सिक्योरिटी पॉलिसी अब इसकी जो फाउंडेशन थी वो किस लिए हुई थी इसका मेन पर्पस क्या था कि जो यूरोपीय संघ है वो काफ़ी सारी चीज़ों में काम करेगा जैसे कि इंटरनल अफेयर्स होंगे किसी भी देश के जो आंतरिक मामले होते हैं जिनको हम कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी होगी यानी सुरक्षा से रिलेटेड नीतियों पे काम करेगा जस्टिस से रिलेटेड काम करेगा होम अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड काम करेगा और जितने भी देश इसमें शामिल होंगे उनकी एक सिंगल करेंसी होगी तो ये सारी

द ई यू हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट अब जो यूरोपियन यूनियन है ये एक जैसे एक बहुत बड़ा देश होता है ना उसके तरीके से काम करने लगी मतलब बहुत सारे देश तो थे ही इसमें लेकिन ये देश मिलकर काम करते तो ऐसा लगता था जैसे ये सभी सारे देश जो है ये एक नेशन स्टेट है वाइल द अटेम्प टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ई यू हैव फेल्ड लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए मतलब कुछ रूल रेगुलेशन जो थे वो कहते हैं ना रिटर्न फॉर्म में एक सिक्योरिटी देना उस तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि इस, इसके पीछे रीजन क्या था कि इसमें यूरोप के जो वेस्ट यूरोप था उसके बहुत सारे ऐसे देश भी शामिल थे जो बहुत पावरफुल भी थे इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग एंथम मतलब इसका अपना फ्लैग इसका एंथम है फाउंडिंग डेट है करेंसी है इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशन और मतलब एक कॉमन कुछ फॉरन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड नीतियाँ हैं जो डील करती हैं लेकिन uh, मतलब अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बना पाए द यूरोपियन यूनियन और धीरे धीरे ये अपने एरिया को एक्सपेंड करता जा एक्सपेंड करते जा रहे हैं ताकि बहुत सारे देश इसमें शामिल हो और ये कॉपरेशन से काम करे अब स्टूडेंट देखिए ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है आपकी बुक में ये मैप बना हुआ है और इस मैप में क्या मेन बताया गया है कि ये जो वेस्टर्न यूरोप का एरिया है सारा इन्होंने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया है जिसके ओल्ड मेंबर्स थे धीरे धीरे ये इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और ये जो रशिया है ये ये जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो इसमें से बहुत सारे देश जब बने तो इन्होंने इसको अब एक्सपेंड करना चाहा इन देशों को अपने में मिलाना चाहा तो जैसे कि बहुत पावरफुल देश भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम है फ्रांस है जर्मनी है स्पेन है स्वीडन है ये सारे पावरफुल देश इसके ओल्ड मेंबर हैं जिन्होंने अपनी यूरोपियन यूनियन बनाई है अब ये इन बहुत सारे देशों को मिलाना चाह रहे हैं मिलाना चाह रहे थे लेकिन बहुत सारे देशों जो थे उन्होंने मतलब डिसएग्री रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी यूनियन के अंडर काम करे वो चाहते थे कि वो अपने देश की जो गवर्नमेंट है उसी के अंडर काम करेंगे अब इसकी पावर देखते हैं हम कि क्या क्या किस तरीके से ये पावरफुल रहा है द ई यू हैज इकोनमिक पोलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो यूरोपीय संघ है वो आर्थिक रूप से देखे राजनीतिक रूप से देखे डिप्लोमैटिक यानी कि कूटनीतिक रूप से देखे मिलिट्री इन्फ्लुएंस की फॉर्म में देखे तो वर्ल्ड की एक बिगेस्ट एक मतलब इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है वर्ल्ड में और ये एक बिगेस्ट इकोनमी रही है जिसकी जो जी अगर हम देखें तो सेवनटीन ट्रिलियन डॉलर 2016 के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से नेक्स्ट इसकी इकोनॉमी मानी जाती है इट करेंसी द यूरो यूरो जो है वो पूरी डोमिनेंस है उसका यूएस डॉलर को पूरी टक्कर देती है ये क्योंकि इनकी एक कॉमन करेंसी है और एक लार्जर इकोनॉमी को रखती है देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अलोइंग टू बी मोर एजर्टिव टू ट्रेड डिस्प्यूट इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो यूरोपियन यूनियन है अगर वर्ल्ड ट्रेड में देखें तो ये काफ़ी अमेरिका और चीन को मतलब इसके साथ इसके काफ़ी डिस्प्यूट रहते हैं क्योंकि ये जो उनकी डोमिनेंस है उसको इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी हद तक इसके साथ साथ इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका अफ्रीका इसके साथ साथ जो एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं जो उनसे काफ़ी दूर पड़ते हैं उनको भी ये इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि बहुत सारे देश इस ऑर्गेनाइजेशन को लाइक like करते हैं इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इन इंटरनेशनल ऑफ द ईयू मतलब ये जो है जो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन है उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसका कंट्रीब्यूशन है काफ़ी इसका इन्फ्लुएंस है काफ़ी बड़ा इसका रोल है क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े देश हैं जैसे ब्रिटेन है फ्रांस है जर्मनी है वो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर भी बने हुए हैं कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और कुछ इसके परमानेंट मेंबर है तो इस वजह से इसका काफ़ी डोमिनेंस रहता है वर्ल्ड में भी देखें मतलब डिप्लोमेटिक फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो इसका काफ़ी डोमिनेंस दिखाई देता है और ये इसकी जो एक इंटरग्रेशन दिखाया गया है यूरोपियन यूनियन का टाइम टू टाइम ये आप अपनी बुक में से देख लेना सारा कि धीरे धीरे कौन कौन से देश इसमें ज्वाइन होते चले गए टाइम टू टाइम इसमें कौन कौन से देश जॉइन होते चले गए ये सारा इसमें आपका स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है उसके बाद दिस हैज़ अनेबल्ड द दू टू इन्फ्लुएंस सम यू एस पॉलिसी सच एज द करंट यू एस पोजिशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यू एन की यानी यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सुरक्षा परिषद होती है उसमें यूरोपीय संघ के दो देश हैं जैसे कि ब्रिटेन है और फ्रांस है वो उसके परमानेंट मेंबर हैं तो इससे क्या होता है कि इसका इन्फ्लुएंस रहता है मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका इन्फ्लुएंस रहता है तो इसकी वजह से जो यूएस की पॉलिसीज़ हैं यानी जो यूनाइटेड जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो यू की जो पॉलिसी हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी हैं वो उनको काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल अपने ही डोमिनेंस से काम करेंगे जैसे कि जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो उनकी जो पोजिशन रही है जो उसके मतलब उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं तो उसको इन्फ्लुएंस किया है इस यूरोपियन यूनियन ने और जैसे चाइना के साथ भी जो भी कंट्रोवर्सी होती है जैसे कि चाइना ह्यूमन राइट और इन्वायरमेंटल डिग्रेशन से रिलेटेड काम कई बार होते हैं मतलब जो चाइना करता है कि पर्यावरणीय निम्नीकरण से रिलेटेड तो इसमें भी ये इन्फ्लुएंस करता है मतलब कहीं कही ना कहीं कहने का मतलब क्या है कि चाइना को और यू को इस यूरोपियन यूनियन का डर है तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इन दोनों देशों को उसका डर है मतलब ये उनको ऐसा कुछ करने नहीं देता है इन्फ्लुएंस करता है उनकी पॉलिसीज़ को मिलिट्री द ई यू कम्बाइंड आर्म फोर्सेज आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज़ सेकेंड आफ्टर द यू एस और स्टूडेंट जो अमेरिका के बाद अगर हम देखें तो लार्जेस्ट मिलिट्री ई यू की होती है जो इसका जो बजट होता है वो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है यानी बहुत सारा पैसा जो है वो लगाता है अपनी इनकी एक कम्बाइंड जो मिलिट्री है जिससे कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी देते हैं मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं यूरोपीय संघ में और इनके पास 550 से भी ज़्यादा जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर uh, वॉरहेड्स मतलब एक न्यूक्लियर uh, जो हथियार होते हैं वो हैं इसके अलावा uh, ये जो कम्युनिकेशन स्पेस एंड स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं इनके पास uh, अगर वर्ल्ड में देखें तो इनका सेकंड नंबर आता है यूएसए के बाद तो एक uh, कहने का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है एज़ अ आगे स्टूडेंट देखिए एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द ई यू इज़ एबल टू इंटरवन इन इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड सोशल एरियाज़ जैसे कि ये बहुत सारे मतलब इसमें देश शामिल हैं इसको अधिराष्ट्रीय संगठन बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे देश इसमें आ जाते हैं तो यूरोपीय संघ जो है वो अगर इकोनॉमिक वे में देखें पॉलिटिकल वे में देखें और वे सोशल वे में देखें तो किसी भी चीज़ में किसी भी एरिया में मतलब अपना इन्फ्लुएंस दिखाने में पूरी तरीके से सक्षम है बट इट इन मैनी एरियाज़ द मेम्बर स्टेट हैव देयर ओन फॉरन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसीज दैट आर ओफन एट ओड्स विद ईच अदर लेकिन स्टूडेंट कुछ ऐसे देश हैं इसके जिनकी अपनी भी एक विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है जैसे कि ब्रिटेन है वो काफ़ी पावरफुल देश है और देखा जाए तो जो ब्रिटेन है उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है अमेरिका के साथ मतलब पर्सनली भी उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है अमेरिका के साथ तो यहाँ एक क्वेश्चन राइज हो जाता है कई बार कि क्या ये फेयरली अपना काम कर रहे हैं क्या ट्रांसपेरेंटली अपना काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पावरफुल देश कहीं ना कहीं अपना एक अलग दृष्टिकोण दिखाते हैं जैसे कि आ, उसी के साथ साथ जो जर्मनी है फ्रांस है आ, अमेरिका पार्टनर इन द इराक इन्वेंशन जैसे कि जो इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है कि जो अमेरिका है वो इराक इन्वेंशन में मतलब पार्टनर रहा है एंड मैनी ऑफ द ई यूज़ न्यू न्यूअर मेम्बर्स मेड अप द यू एस लेड कोलिएशन ऑफ द विलिंग जो यू एस ने काम चलाया है लेड कोलिएशन विद ऑफ द विलिंग कि सब जो देश है वो एक दूसरे से मिल के काम करेंगे उसमें उन्होंने मतलब काफ़ी uh, उस जो वो कार्यक्रम है उससे काफ़ी उसमें जो बहुत सारे और भी देश है वो उससे मिले हैं इस तरीके से मतलब उन्होंने मिल के इस इस चीज़ को काफ़ी प्रेफर किया है लेकिन कुछ देश ऐसे हैं उन्हीं में से कुछ देश ऐसे हैं जैसे जर्मनी है फ्रांस है उन्होंने इस अमेरिकन पॉलिसी को अपोज किया है तो कंट्रोवर्सी दिखाई देती है कहीं ना कहीं कुछ एक टॉपिक पे कुछ देश इसमें एग्री दिखाई देते हैं और कुछ एक टॉपिक पे कुछ देश जो है वो डिसएग्री दिखाई देते हैं देर इज ऑल्सो अ डीप सिटेड यूरो जो स्पेक्टिज्म इन सम पार्ट्स जो यूरो यानी कि जो करेंसी है उससे रिलेटेड अगर हम देखते हैं उससे रिलेटेड भी वहाँ पर जो इनकी एक साझा मुद्रा है जो कम्बाइंड इनकी करेंसी है उसको लेकर भी काफ़ी एक डिसएग्रीमेंट जो दिखाई देती है काफ़ी सारे देशों की मतलब ये एजेंडा यहाँ पर फेल दिखाई देता है क्योंकि बहुत सारे देश जो है वो नहीं चाहते कि एक कम्बाइंड जो करेंसी है वो इनके ऊपर लगाई जाए मतलब बहुत सारे देशों ने इसको मानने से इनकार किया है मना किया है तो यहाँ पर भी एक गतिरोध की सिचुएशन जो है इसमें बनी रहती है तो पूरा टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो यूरो जो ईयू है वो काफ़ी हद तक मतलब उसने अपनी पावर को बढ़ाया है लेकिन कुछ एक कंट्रोवर्सी जो है टाइम टू टाइम होती रही हैं कुछ एक देशों ने बाद में जो पॉलिसीज हैं उनमें डिसएग्री किया है कई सारे ऐसे एजेंडाज हुए हैं जिसमें कि काफ़ी सारे लोग जो है वो डिसएग्री रही रहे हैं कुछ एक देश इसमें डिसग्री रहे हैं जैसे जो इसमें ये, ये लास्ट में ये लिखा हुआ है आपका जैसे मार्गरेट थैचर हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं एक टाइम पे उन्होंने अपने देश को बिल्कुल अलग रखा है अगर इंटर यूरोपियन मार्केट में देखे तो अपने देश को अलग रखा है तो वैसे तो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है लेकिन अपनी एक अलग से पॉलिसी इसने दिखाई है इसी तरीके से जैसे डेनमार्क और स्वीडन है उन्होंने जो यूरो है इसको अडोप्ट नहीं किया है मतलब कंबाइनली इसको अडोप्ट नहीं किया है कि साझा रूप से ये इसको एक्सेप्ट करेंगे तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो यूरोपियन यूनियन के देश है वो मिलकर काम कर रहे हैं काफ़ी सारे ऐसे इशूज़ होते हैं जिन पर ये लोग मिलकर काम करते हैं और हम कह सकते हैं कि ये एक न्यू सेंटर है पावर का जिसने कि अमेरिका और जो पहले आज भी जैसे बढ़ती हुई ताकतें हैं आज भी उनके उनके डोमिनेंस को कम किया है और वर्ल्ड को एक नई सीख दी है पूरे वर्ल्ड को कि केवल युद्ध ही नहीं है जिसकी वजह से डोमिनेंस रखा जा सकता है बल्कि हर एक एस्पेक्ट में अगर सब देश मिलकर काम करें तब भी वर्ल्ड में एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है और इस चीज़ को भी इन्होंने दिखाया है कि युद्ध जो है वो हमेशा डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करता है तो स्टूडेंट आई होप इस आपको ये ई यू समझ आ गया होगा क्या है तो इसमें से क्वेश्चन यही बन जाते हैं वन वन मार्क्स के तो इसके जो स्टेप बाय स्टेप इसमें जो चेंज आया है वो हैं और इसके साथ साथ इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें तो कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आसियान स्टार्ट करेंगे एक नया ऑर्गेनाइजेशन आसियान तो आई होप आप यूरोपियन यूनियन को अच्छे से अपनी बुक में से पढ़ेंगे वीडियो को सुनेंगे साथ के साथ और इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच